हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में सीखेंगे हम कि टेली प्राइम में जर्नल वाउचर में कौन कौन से एंट्री पास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे, हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहे। और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जनरल वाउचर में कौन कौन सी एंट्री पास करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जनरल वाउचर में आप एडिशनल एंट्री पास करते हो, साथ साथ किसी भी फिक्स एसेट को परचेज और सेल करोगे वो वाली एंट्री पास करते हैं, और अगर फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगी वो वाली एंट्री पास करेंगे, और अगर आपने ऑफिस से कुछ पैसा विड्रॉ करा है पर्सनल यूज के लिए ये वाली एंट्री पास करते हैं। साथ साथ तो टैक्सेशन एंट्रीज भी होती है, जैसे TDS की होगी, GST की होगी, वो एंट्री भी पास करते हैं। तो चलो दोस्तों, समझते हैं एक एक करके। कुछ एग्जाम्पल हमने बनाए हुए हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि टेली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा हमने कुछ एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस में हमने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करा कैश, तो इसकी एंट्री टेली प्राइम में कैसे करेंगे। इसके लिए हमें जाना है वाउचर पे, और आपको F7 जर्नल पे जाना है। एंट्री सिंपल होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां पर कैश डेबिट हो जाएगा, अमाउंट था 4 लाख रुपीज, और यहां पे एक लेजर बनेगा कैपिटल का, ऑल सी करके लेजर बना लोगे, कैपिटल हमारा कैपिटल में आएगा। ये वाली एंट्री जनरल में पास हो जाएगी। नरेशन लिख देगा बींग कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। इसके बाद सेकंड एंट्री देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, तो इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये वाली एंट्री जनरल में पास करेगी, तो यहां पे हमें लेजर बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके ड्रॉइंग्स का, जो कि आएगा कैपिटल के अंदर। विड्रॉ करा 10,000 रुपए और हमने कैश निकाला, सिंपल इसकी भी नरेशन लिख देंगे कि हमने कैश निकाला है फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। इसके बाद थर्ड एंट्री देखते हैं, कह रहा मशीनरी परचेज करी कैश में 50,000 की, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मशीन हमारे पास आई, कैश चला गया, तो ये भी जनरल में पास करेंगे ऑल्ट सी करते हैं। मशीनरी ये हमारी होगी फिक्स एसेट, हमने 50,000 की मशीन खरीदी है और हमने कैश कितना पे करा है 50,000 रुपए। नरेशन हो जाएगी बींग मशीनरी परचेज्ड इन कैश। अब इसके बाद एंट्री देखते हैं, कह रहे डेप्रिसिएशन लगी फिक्स एसेट पे, तो अभी हमने फिक्स एसेट खरीदी है मशीनरी, अब मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो इसकी एंट्री जनरल में होगी, एक लेजर बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का, जो कि हमारा होगा खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बियर जुबिंग की हमने 10% लगाई है, 50,000 10% 5,000 रुपये होता है, और मशीन की वैल्यू कम कर देते हैं। नरेशन हो जाएगी बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। तो इस तरह से दोस्तों आप जनरल में एंट्री पास कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। थैंक यू वेरी मच।